यहाँ बेटियों के साथ आदमी क्या कर सकता है? क्यों नहीं रोका है मुझे वहां जाने से? क्यों नहीं की जाए मुझे उस दिन? ये बात अगर आज भी आपके समझ में ना आए तो मर जाएगी। हाजी साहब, मैं अपने हिस्से की माफी मांगता हूँ आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी शामिल था इस साजिश में। क्या हाजिर, आधी कहानी सुनाई, आखिरी सीन तो डाला ही नहीं इस वीडियो में। क्या मतलब हाजी साहब, आप और कुछ नहीं कहेंगे? इसको ऐसे ही माफ कर देंगे? क्या कह सकता हूँ, बहनों बेटियों जैसी है। मैं हूं बेटियों के साथ आदमी क्या कर सकता है सिवाय माफ कर देने के। चल आप कर सकते हैं हाजी साहब, मैं नहीं कर सकता। यही लेकर आया था मैं और यही लेकर जा रहा हूं बस। उस दिन लोग जब मेरे पास आया, क्यों किया बर्दाश्त? क्यों नहीं रोका है मुझे वहां जाने से? क्यों नहीं की जाए मुझे उस दिन? निकालते ना ऐसे हाथ पकड़ के निकालते मुझे। इतने सारे लोगों के सामने कैसे करता? तुम्हें कैसे करती? मैं कैसे निकालता इतने लोगों से? लाते हैं तेरा सौदा। चल ये छोड़। इसकी जरूरत नहीं, ये सारी करवाहट असद के लिए थोड़ी है। ये सारी लड़ाई बेसद से नहीं है। वो गरेबान आपका पकड़ना चाहती है, लेकिन पकड़ती उसका है जिसे प्यार करती है। मैंने बड़े करीब से देखा है दोनों को। ये दोनों बने ही एक दूसरे के लिए। ये बात अगर आज भी आपके समझ में ना आए तो मर जाएगी। है आगे आपकी मर्जी। बिखरा मेरा पंछी, इंसान अपने बारे में गलत फहमी का शिकार रहता है। मेरा ख्याल था कि मैं बड़ा समझदार हूँ, बंदा शनास हूँ, बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन हूँ। अपने आप को कोई बड़ी कोई तोप चीज समझता था, मगर आज जब हाजी साहब ने शीशा दिखाया तो अपना बड़ा उल्लू का पट्टा लगा मुझे। वाकई उसकी लड़ाई तुझसे नहीं, मुझसे थी, और मैं सुलह कर रहा है। तू भी कर ले यार, कहते हो भाई तो तुम्हारे आगे भी हाथ जोड़ देता हूँ। अच्छा इसकी जरूरत नहीं है तो चलो फिर घर चलो। लेकिन हाथ बहुत भारी है उसका। सामान लेने आयो? उठो और मुंह धो अपना, चाय बनाता हूं तुम्हारे लिए। Bye.
आ गया हूँ ना वापस मार खाने के लिए। क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।